हेलो एवरीवन, दिस इज रश्मि। आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की अपनी मूवी है नमस्ते इंग्लैंड। कहानी को पूरा समझने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखें। तो करें शुरू। अर्जुन और परिणीति दोनों पंजाब में रहने वाले होते हैं। परिणीति यंग, एम्बिशियस और एजुकेटेड होती है, पर उसके दादाजी और भाई थोड़े कंजर्वेटिव टाइप के होते हैं। अर्जुन और परिणीति एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। उसकी यही इच्छा होती है कि उसके हस्बैंड उसे शादी के बाद काम करने दे। परिणीति को जॉब मिलती है और अर्जुन उसे छोड़ने जाता रहता है। एक दिन परिणीति के दादाजी को पता चलता है कि वो जॉब कर रही है, इसीलिए वो उसके लिए लड़का देखने के लिए कहते हैं। अर्जुन अपने फादर और फैमिली के साथ मिलकर रिश्ता भेजता है और उसके घर वाले शादी के लिए मान जाते हैं, पर कंडीशन रखते हैं कि परिणीति शादी के बाद जॉब नहीं करेगी। उनकी शादी हो जाती है, लेकिन शादी के बीच गुरप्रीत नाम का उसका दोस्त उसके फादर के साथ बदतमीजी करता है और उसे कहता है कि उसे कभी वीज़ा नहीं मिलेगा। एक साल तक वो लोग वीज़ा के लिए ट्राई करते हैं, पर नहीं मिलता रहता। परिणीति की इच्छा होती है लंदन सेटल होने की। एक दिन उसकी दोस्त उसे मिलती है और उसे इलीगल इमिग्रेंट ऑफिसर का नंबर देती है जो उसे हेल्प करेगा। उसे मिलने के बाद वो उसे सजेस्ट करता है ब्रिटिश सिटीजन से शादी करने के लिए फॉर वीज़ा, और बाद में परिणीति से करके लंदन में सेटल हो जाए। परिणीति इसके लिए रेडी होती है, पर अर्जुन नहीं कहता है। बचा ऑप्शन गुरप्रीत। वो उसके पास जाके माफ़ी मांगता है। वो माफ़ भी कर देता है, लेकिन बाद में कहता है कि उसके फादर को भी मांगनी पड़ेगी, तो वो नहीं कहता है। ऑफिसर परिणीति को बताता है कि उसे लंदन में जॉब मिल गई है और वो हैप्पीली अर्जुन को बताती है। जाते वक्त एयरपोर्ट पे वो अर्जुन को बताती है कि उसने सैम नाम के लड़के से शादी कर ली है झूठ की, और वो मैरिज वीज़ा पे जा रही है। वो शॉक हो जाता है। सैम के पास ब्रिटिश वीज़ा होता है और उसे अपने दादाजी डेथ बेड पर है उनके लिए वाइफ की एक्टिंग करनी होती है। सैम के ग्रैंडफादर की डेथ हो जाती है। अपनी वाइफ के लिए अर्जुन इलीगल तरीके से लंदन पहुँचता है। तब वो उसे बताती है कि सिटीजनशिप मिलने तक वो उसे चाहिए वैसा काम नहीं कर सकती। सैम की फ्रेंड जिसे अर्जुन पूरा सच बताता है और वो उसे परिणीति को पाने में हेल्प करती है, लेकिन ये भी कहती है कि अगर वो नहीं मानी तो उसे उससे शादी करनी पड़ेगी। शादी की प्रिपरेशन शुरू हो जाती है। इससे परिणीति को बहुत जलन होती है, पर वो सैम को सब सच बता नहीं पाती। जिस दिन अर्जुन की शादी होने वाली होती है उसी दिन उसको रेसिडेंसी भी मिलने वाली होती है। शादी में अर्जुन जाता तो है पर कर नहीं पाता, क्योंकि वह हमेशा से परिणीति से प्यार करता है। इधर परिणीति भी सैम को सच बताती है और वो उसे अर्जुन के पास जाने के लिए कहता है। वेडिंग वेन्यू पे जाने के बाद उसे पता चलता है कि उसने शादी नहीं की और इंडियन एम्बेसी में खुद को सरेंडर करने गया है, लेकिन परिणीति को अपनी गलती रियलाइज होने के बाद वो जाके उसे रोकती है और माफ़ी मांगती है और दोनों एक हो जाते हैं। मुझे पर्सनली ये मूवी ठीक लगी, स्टोरी अच्छी है। आप सबको इस मूवी का रिव्यू कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर तो करें, और बहुत सारे मूवीज़ का रिव्यू देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।